टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट लाइंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी हम ऐसा रिजल्ट करते थे कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स एक्सपीरियंस होती है और टॉर्क जनरेट होता है। सिमिलरली मैग्नेटिक डायपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। मुझे वैल्यू निकालनी है क्या होगी, लेकिन वो निकालने से पहले एक चीज़ समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछूं तो क्या होती है, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यही रूल है। तो एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ क्यू ई, ये भी क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड में ई की जगह क्या टर्म यूज करेंगे, बी, एफ की जगह एफ और क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम, तो एफ इज इक्वल टू कितना, एम इंटू बी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्यू ई और मैग्नेटिक के अंदर पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। कैसे यूज करूंगा इसको ध्यान से देखना। तो इसको यूज करने के लिए मान लो आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है नॉर्थ से साउथ, ये रहा, इसमें आपने एक बार मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया। मैग्नेटिक डायपोल कैसे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, पोल स्ट्रेंथ छोटा एम छोटा एम, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बी है, तो ये नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ, तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या करेगा, एम इंटू बी। ऐसे ही ये साउथ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फोर्स एक्सपीरियंस का क्या करेगा, एम बी, क्यू ई की जगह एम बी, एम बी, समझ में आ रहा है। अब टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट कपल, तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, पर ये दोनों क्या प्रोड्यूस कर जाएंगी, टॉर्क। टॉर्क क्या करेंगी, फोर्स एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर ये 2L है ये थीटा है तो ये लेंथ क्या आएगी, 2L, तो क्या आएगा टॉर्क, एम बी इंटू 2L साइन थीटा। तो टॉर्क इज एम बी इंटू 2L साइन थीटा, लेकिन एम इंटू 2L क्या होता है, कैपिटल M, और कैपिटल M इज अ वेक्टर, B इज अ वेक्टर, टॉर्क इज अ वेक्टर, टॉर्क वेक्टर क्या आएगा, एम क्रॉस बी। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, टॉर्क का एक्सप्रेशन जबकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या था, पी क्रॉस ई, P क्रॉस E की जगह M क्रॉस